खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आर्मी चीफ बिपिन रावत पर विवादित बयान देने वाले पार्टी के सीनियर नेता संदीप दीक्षित को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि सेना पर सवाल खड़े करना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी फिलहाल कर्नाटक दौरे पर हैं। बेंगलुरु में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सेना देश की रक्षा करती है, सेना और सेनाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी का कोई भी नेता टिप्पणी ना करे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सेना प्रमुख को लेकर संदीप दीक्षित का बयान गलत था और राजनेताओं को इस तरह का बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल रविवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताया था। दीक्षित ने अपने बयान में कहा था कि हमारे सेना प्रमुख जब सड़क के गुंडे की तरह बोलते हैं तो खराब लगता है। दीक्षित के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कैसे कह सकती है। हालांकि बयान देने के थोड़ी देर बाद ही संदीप दीक्षित ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा है वह गलत है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं और अपना बयान वापस लेता हूं। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।